अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज शेयर किया है और इसमें वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। उरी हमले के बाद पीओके में जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई उसके बाद छिड़ी सबूत की बहस, पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध और युद्ध को लेकर फैल रही बहस पर उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए और बहस करने की बजाय हमें फौजियों के परिवार का वर्तमान और भविष्य बेहतर बनाने की तरफ सोचना चाहिए। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह। कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं। कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई कि नहीं। अरे शर्म करो, अरे यार ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है। 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए, एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामुल्ला में शहीद हो गया, क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य, और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए। वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं। जय हिंद।